दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय भूषण ज्वेलर्स सोलन। कोरोना कर्फ्यू की ढील के बीच वाहनों के लिए प्रतिबंधित माल रोड पर एक जनप्रतिनिधि द्वारा अपनी गाड़ी को घुमाने का मामला अब तूल पकड़ने लगा है। वीआईपी कल्चर के खिलाफ व्यापारियों के विरोध स्वर के साथ ही अब कांग्रेस ने भी इस जनप्रतिनिधि को घेरा है। प्रदेश कांग्रेस मीडिया पैनलिस्ट अमन सेठी ने इसकी निंदा करते हुए कहा कि कानून सभी के लिए एक समान है, स्वयं जनप्रतिनिधि को निर्देशों का पालन करना चाहिए था। सेठी ने कहा कि जब वह प्रतिबंधित समय पर माल रोड पर अपनी गाड़ी में घूम रहे थे तो स्थानीय पुलिस क्या कर रही थी। जैसा कि कल उपायुक्त महादेव ने सोलन माल रोड को लेकर एक आदेश जारी किए थे जिसमें सभी प्रकार के वाहनों का प्रतिबंध लगाया गया था, सिर्फ इमरजेंसी वाहनों को छोड़कर, जैसे कि फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस, पुलिस की गाड़ी, इमरजेंसी के लिए जो वाहन यूज होते हैं उनको छोड़कर बाकी सभी वाहनों पर प्रतिबंध था। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले पता लगा है कि वहां पर सिरमौर के नाम के विधायक महोदय अपने निजी कार्य के लिए वहां पर उस प्रतिबंध क्षेत्र में गाड़ी घुमाते नजर आए। कानून सबके लिए बराबर है, कानून से ऊपर कोई नहीं है। अगर आम जनता की नाक से नीचे मास्क आ जाए तो पुलिस वाले उसका तुरंत 500 या 1000 रुपए का चलान कर देते हैं, लेकिन विधायक महोदय काफी देर तक, आधा घंटा पौना घंटा, अपनी उस प्रतिबंध क्षेत्र में गाड़ी घुमाते रहे, वहां पे अपनी निजी शॉपिंग करते रहे, सब्जियां खरीदते रहे। किसी प्रशासन या किसी पुलिस वालों ने उनको ना तो चलान किया ना उनको कुछ बोला। मेरा मानना है कि विधायक महोदय जनता से ही चुने गए, जनता के ही प्रतिनिधि है, जनता ने उनको चुनकर वहां भेजा है और जनता से ऊपर नहीं है। अगर जनता के लिए भी ये जो प्रतिबंध है तो ये इन लोगों के लिए भी प्रतिबंध होना चाहिए। और अपने ठीक है, अगर वो किसी एसेंशियल सर्विस या किसी इमरजेंसी के लिए वो उस प्रतिबंध क्षेत्र में गए हैं तो वो बात अलग है, लेकिन जो पता लगा कि वो आज अपने निजी स्वार्थ और निजी उसके लिए निजी सामान खरीद रहे थे उस गाड़ी में, वहां पर तो कानून सबके लिए बराबर है। और मैं जिला प्रशासन या पुलिस प्रशासन से यही कहूंगा कि उस गाड़ी का चलान होना चाहिए था जो कि नहीं हुआ, तो कानून सबके लिए बराबर है, इसलिए उन्होंने अपने इस पद का जो दुरुपयोग किया है वो बहुत ही गलत है और इसकी हम निंदा करते हैं। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए सोलन से प्रदीप भाटिया के साथ सौरभ शर्मा की रिपोर्ट। पारंपरिक व आधुनिक आभूषणों को लेकर प्रदेश में ब्रांड बन चुका भूषण ज्वेलर्स सोलन अपने ग्राहकों के लिए विस्तृत रेंज उपलब्ध करवा रहा है। भूषण समूह लगातार 50 वर्षों से विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहा है और मात्र 5 वर्षों में ही आभूषणों की दुनिया में अपनी पहचान कायम कर चुका यह शोरूम अपने बेहतरीन डिजाइन के लिए ग्राहकों की पहली पसंद बन गया है। आभूषण चाहे सोने के हों या फिर हीरे व चांदी के, इनके डिजाइन का कोई सानी नहीं है। वैरायटी, विश्वसनीयता और ग्राहकों की उम्मीदों पर खरा उतरने का संकल्प लिए यह ब्रांड निरंतर सफलता के नए आयाम स्थापित कर रहा है। भूषण ज्वेलर्स के एमडी विनय गुप्ता का कहना है कि न्यू वैरायटी, न्यूनतम मेकिंग चार्जेस, ढेरों उपहार व शोरूम में अपनेपन का एहसास हमें अन्य ब्रांड से जुदा करता है, इसी वजह से आज हम ग्राहकों के दिलों पर राज कर रहे हैं। तो अगर आप भी आभूषण खरीदना चाहते हैं तो चले आइए आज ही भूषण ज्वेलर्स सोलन।